अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? रब सोने के दुआ है कि जनाब दुनिया दे जिस जिस कोने च बसदे हो पे अल्लाह ताला दी जात तुहानू खुश ते खुरम रखे, अपना ते अपने प्यारियां दा खास ख्याल रख्या करो। एदा ना ही जिंदगी है। मैं जनाब चौधरी बशीर, गुजरात दा छोटा जिहा पिंड बासरियां तहसील खारियां जिला गुजरात, उहदे नाल मेरा तअल्लुक है। मैं जनाब एक नवीं वीडियो लैके तुहाडे वास्ते हाज़र हां। एक दो दोस्त ने सवाल पूछा सी कि मैं अगर फैमिली नूं पाकिस्तान तो विजिट से बुलाना तो विजिट तो बुला के तो मैं उन्हों इत्थे कन्वर्ट करा लेना मसलन दूजे वीजे च, ठीक है, तो वह हो सकता या नहीं हो सकता? तो मैं उन्होंने कहा कि मैं साढ़े को एक बंदा से पहला तो उन्हें नहीं काफ़ी अर्सा पहला, अज तो 15 साल कर पहले उन्हें इस तरह कराया सी वैसे, तो मैं क्या शायद फिर गेम होगी। लेकिन अच मैं मसल एक जवाजात वाले को एक बंद ने सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि मसल देखो बंद ने कहा मैं अपनी फैमिली ने विजिट से बुलाना पाया तो विजिट से बुला के तो मैं उन्होंने मुस्तकिल तौर पर काम में करना चाहना हो जाएगी। उन्होंने कहा जी देखो टूरिस्ट वीज़ा है या उम्र से आए हो या अज से हो आए हो तुम तो या तुम विजिट से आए हो, ऐसे वास्ते जरूरी शर्त है कि तुम इतों वापस जाना है, ठीक है। इतने तुम इन्हें चौं वीज़े वाले बंदे इतने मुस्तकिल तौर पर नहीं रह सकते, ना ही कोई यहोजा सिस्टम है कि यह चेंज हो जाए और तुम अगों इतने रहना शुरू कर दो, मसलन आखो चलो एक बार आउट होकर तो वापस आ जाओ, नहीं यहोजा कोई सिस्टम नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है। विजिट वीजे जड़े ने जो मल्टीपल ने जो मसलन जो जिनी बार मर्जी आने जाना वो साल का होंगे, 6 महीने बाद आउट होना है तुम्हें तो 6 महीने तो बाद जनाब तुम फिर एक बार इंटर हो सकते हो तो 1 साल रह सकते हो, ठीक है। बाकी दूजा कोई वीज़ा भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें 1 साल की मुदत इतने दिता आए, ठीक है। जो आम मकामे वाले वीज़े ने जो परमानेंट वीज़े ने वो छड़ के विजिट वीज़े नूं तुसीं अगर विजिट वीज़े ते तुसीं फैमिली नूं बुलांदे हो तो तुसीं उन्हूं दूजे वीज़े विच कन्वर्ट नहीं करा सकते, ठीक है। उहदे वास्ते जरूरी है कि तुसीं दूजा वीज़ा लवो उहदे वास्ते, मतलब क्योंकि विजिट जिहड़ा है ना ये मसला होंदा है 3 महीने वास्ते होंदा है या 6 वास्ते या मतलब साल वास्ते, जबकि वह वीज़ा जो परमानेंट होंदा है तो वो फीस है यदि विजिट की फीस जी है सिर्फ सऊदी अरब जो विजिट की फीस है वो सिर्फ 35 रुपये है, यानी 35 रियाल है बस विजिट तुम्हें लेना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 35 रियाल और 35 फीस कोई नहीं है, वो 35 चैंबर ऑफ कॉमर्स टेस्ट कराने है तो वह क्योंकि अगे पहले वैसे मैनुअल होंगे सी तो ऑनलाइन होती है टैसटिंग तो वो 35 रुपये जोड़े ने देने पैदा ने, बाकी थोड़ू मसलन विजिट वीजे की इतने कोई फीस नहीं देनी पैंती, ठीक है। जो मसलन दुबई की 400 दिरहम है इतने कोई फीस नहीं है इतने, ठीक है। लेकिन तुम उस वीज़े को कन्वर्ट नहीं कर सकते, फैमिली ने बुला के तो सोचो कि इन्होंने बदली करा लीए तो कामा शामा बनवा लें तो इन्होंने पक्के इतने रखी रखने, नहीं तुम नहीं कर सकते, ठीक है जी। एक बड़ी खास इन्फॉर्मेशन सी जी कि थोड़ा एक दो दोस्तों ने सवाल पूछा सी तो मैं क्या उन्होंने गोश गुजार करिए कि मसल किसी विजिट वीजे से बच्चों बुला के फैमिली ने बुला के वापस ही भेजना जी, इतने पक्का नहीं तुम रख सकते, ठीक है जी। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर जनाब एक चंगी जी वीडियो ला के फिर हाजिर होवांगे। अल्लाह हाफिज़।